यदि आप हमें फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज को लाइक कर दीजिए, और यदि आप हमें यूट्यूब चैनल पर देख रहे हैं तो यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। आज जिला कांग्रेस कमेटी टिहरी ने प्रदेश अध्यक्ष प्रीतम सिंह के नेतृत्व में भाजपा सरकार पर महंगाई बढ़ाने के विरोध में जमकर प्रहार किया। प्रदेश अध्यक्ष प्रीतम सिंह ने कार्यकर्ताओं के साथ व्यापक रैली निकाली। उन्होंने कहा कि आज देश में बढ़ती महंगाई ने जनता की कमर तोड़कर रख दी है। जब कोरोना काल से त्रस्त और बेरोजगारी की मार झेल रहे जनता को मदद की जरूरत थी, उस वक्त बीजेपी सरकार मदद न करके जनता पर महंगाई का बोझ डाल रही है, जो कि बीजेपी की नाकामी को दर्शाता है। उन्होंने कहा कि आज जनता को रोजगार चाहिए, परंतु सरकार रोजगार देने के बजाय विपक्ष का गला घोटने का प्रयास कर रही है, जो सरकार के तानाशाही रवैये को दर्शाता है। उन्होंने आगे कहा कि आज मोदी जी कहते हैं कि चीनी सैनिक हमारी सीमा पर घुसे ही नहीं, तो हमारे वीर सैनिकों की शहादत कैसे हुई, ये मोदी जी को जनता को बताना चाहिए। जिस तरीके से देश के अंदर पेट्रोल डीजल के दामों में बेतहाशा वृद्धि हो रही है, गैस के मूल्य लगातार बढ़ रहे हैं, इससे गरीब आदमी का जीना दूरह हो गया है। महंगाई अपने चरम पर है। हम अपने विरोध प्रदर्शन के माध्यम से सत्ता में बैठे हुए लोगों से कहना चाहते हैं कि तत्काल प्रभाव से पेट्रोल डीजल के दाम नियंत्रित करने का काम करें, गैस के दाम कम करने का काम करें। मैं भाजपा के लोगों को याद दिलाना चाहता हूँ कि 2014 से पूर्व जब यूपीए की सरकार इस देश के अंदर थी, उस सरकार के कार्यकाल में जब पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ते थे तो तमाम भाजपा के लोग सड़कों पर उतर करके जो है धरना प्रदर्शन करने का काम करते थे। और चुनाव में तो उन्होंने कहा कि बहुत हुई पेट्रोल डीजल की मार की बार मोदी सरकार, लोगों ने परिवर्तन किया। लेकिन आज सत्ता में बैठे हुए लोगों से पूछना चाहते हैं, जो वादा आपने देश की जनता से किया था कि हम पेट्रोल डीजल के दाम नियंत्रित करेंगे, गैस के दाम नियंत्रित करेंगे, तो आज क्यों नियंत्रित नहीं हो पा रहा? जब हम सरकार में थे तो कच्चे तेल का जो अंतर्राष्ट्रीय भाव था वो अपने उच्च स्तर पर था, आज तो निम्न स्तर पर है, तब भी पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ रहे हैं। हालत ये हो गई कई राज्यों में जो है डीजल जो है पेट्रोल से महंगा हो गया। ये स्थिति सरकार ने इस देश के अंदर पैदा कर दी है, और निश्चित रूप से उत्तराखंड राज्य के अंदर तो त्रिवेंद्र सरकार ने जिस तरीके से बसों के किराए में बेतहाशा वृद्धि करने का काम किया है, तो गरीब व्यक्ति पर लगातार जो है ये सरकार वार करने का काम कर रही है। एक ओर गरीब व्यक्ति कोरोना की जंग लड़ रहा है, दूसरी ओर महंगाई की जंग लड़ने का काम कर रहा है। तो हालात ये है, स्थिति ये है कि गरीब आदमी को बिल्कुल नष्ट नाबूद करने पर ये सरकारें आमादा है, और कांग्रेस निश्चित रूप से जो जनहित के मुद्दे हैं उनको उठाने का काम करेगी। और अगर त्रिवेंद्र सरकार कांग्रेस जनों पर मुकदमे दायर करेगी तो मैं कहना चाहता हूँ, एक नहीं आप 100 मुकदमे दायर कीजिए, लेकिन जनहित के मुद्दे कांग्रेस लगातार उठाती रहेगी, खासकर विदेश नीति के बाद।